नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं रिव्यू विद विकास। प्रीमियम हैचबैक एक बहुत ही बड़ा मार्केट है इंडिया में और इसमें आपको बहुत सी कार्स मिल जाती हैं, जैसे कि अल्ट्रोज, i20s। आपको तो पता ही है कि कैसे कंपनीज आजकल अपने कस्टमर को लुभाने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं, और इसी कड़ी में स्कोडा ने फिलहाल में अपनी कुशाक को मार्केट में उतारा है। लेकिन क्या आपको पता है कि पहले स्कोडा के पास भी अपनी एक प्यारी सी हैचबैक थी जिसका नाम था स्कोडा फाबिया, जो अब इंडियन मार्केट में नहीं आती। पर स्कोडा को ये पता है कि वो इस मार्केट को ज्यादा टाइम तक छोड़ नहीं सकती, तो वो जल्दी ही फाबिया को लॉन्च करने की तैयारी में है। हो सकता है इसी साल दिवाली तक आपको इसकी खुशखबरी मिल जाए। चलिए मैं आज आपको बता देता हूं कि आपको इस नए स्कोडा फाबिया 2021 में क्या क्या मिलेगा और ये कैसे अलग है पहले से। अगर लुक की बात करें तो इसमें एलईडी डीआरएल मिल रहा है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ, पीछे भी एलईडी बैकलाइट मिल रही है जैसा कि आपने आजकल स्कोडा की कार्स में देखी होगी। 18 इंच के अलॉय व्हील्स आपको इसमें मिलेंगे और डुअल टोन कलर में भी आपको ये अवेलेबल होगी। इसमें आपको 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलेगा जो आपके ड्राइविंग को अच्छा आरामदायक बनाएगा। इंफोटेनमेंट की बात कर ले तो इसमें 9.2 इंच का सिस्टम आएगा जिस पर आप अपनी कार की बहुत सारे ऑप्शन कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ भी मिलेगा और ऑप्शन जैसे कि ABS, एयरबैग्स, क्लाइमेट कंट्रोल, ये सारी चीजें जो नॉर्मल होती है वो सारी चीजें तो होंगी ही। बात कर लेते हैं इसके इंजन की, तो ये आपको 1 लीटर 3 सिलेंडर जो प्रोड्यूस करेगा 78 bhp और 93 Nm का टॉर्क, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक में भी ये अवेलेबल होगी। इसमें एक और इंजन ऑप्शन आएगा जो टर्बो चार्ज होगा, जो प्रोड्यूस करेगा 108 bhp 200 Nm का टॉर्क। ये आपको टर्बो चार्ज इंजन मिलेगा जिसमें आप इसके पावर को पूरी तरह फील कर सकते हैं। अभी फिलहाल इसको पेट्रोल इंजन में ही लॉन्च किया जा सकता है। अब बैठने में आपको इतना आराम देगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये 4108 mm इन लेंथ है, व्हील बेस इसका 2564 mm का है और बूट स्पेस इसमें 350 लीटर की होगी, तो आप इसमें हम दो हमारे दो के साथ एक छोटी सी फैमिली ट्रिप मार सकते हैं। तो कैसी लगी आपको स्कोडा फाबिया 2021 जरूर कमेंट में बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए और सेफ रहिए।